नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे FMNL फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड की। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके कब आने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, फ्यूचर रिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट में हम लोग चार्ट देखेंगे कि कब तक यहाँ पर अपर सर्किट लगने की उम्मीद है और कहाँ से ये रिवर्सल दिखा सकता है नीचे की ओर। ठीक है, तो और दूसरी एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि इस पर मैंने फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स पे, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए फ्यूचर सप्लाई चेन है, ठीक है, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन है, फ्यूचर एंटरप्राइजेज है, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर फ्यूचर कंज्यूमर है, फ्यूचर रिटेल पे इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था, ये सारे सब पे मैं अपडेट लेके आया हूँ इस बार। और अभी ये फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड पे अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड ने 3 नवंबर को लेटर लिखा है BSE को और NSE को। ये BSE है, NSE माफ़ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ मीटिंग का, जो डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होने वाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो यहाँ पर आपको 10 नवंबर 2022 को देखने को मिल रहा है। और आपको 10 नवंबर 2022 को ही क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें इसके, तो यहाँ पर जून तक के रिजल्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, ये हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स क्यों देख रहे हैं, आपने मैंने जो पिछले 6 ग्रुप के 5 ग्रुप के वीडियो डाले हैं आपने देखा होगा, सब में मैंने क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया है। क्योंकि जो फ्यूचर रिटेल है वो आपको डेड कैटेगरी में आ गया अभी इस समय। ठीक है, डेड कैटेगरी में क्या होता है, अगर आपने मेरे पुराना वीडियो नहीं देखा है जो मैंने बनाया है IRP स्टेज से बाहर वाला, तो वो जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए ला रहे हैं ताकि जून के रिजल्ट इसने दिए हैं, क्योंकि 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर लगातार नहीं आएंगे तो फिर वहाँ पर से भी डेड ग्रुप में डालने का प्रोसेस शुरू कर देता है, जहाँ पर ट्रेडिंग सस्पेंड होती है पहले, फिर उसके बाद डीलिस्टिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल्स 23 करोड़ की आई थी, उसके पहले भी 23 करोड़ की लगभग, मतलब एक यही एक है फ्यूचर मार्केट जो है ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एक नोड में दिख रहा है कि हाँ ये इट माइट सर्वाइव। ठीक है, बात करेंगे अगर हम इसके FIIs और DIIs की, तो यहाँ पर आप देखिए FIIs तो काफ़ी टाइमों से नज़ारत हैं और DIIs आप देख रहे हैं स्टेबल बने हुए हैं 0.05 के करीब। और यहाँ पर प्रमोटर आप देख रहे हैं लगातार वही, पिछले 2 क्वार्टर से कोई चेंज यहाँ पर प्रमोटर में नहीं देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अगर इसके प्राइस परफॉर्मेंस की, तो एक वीक में आप देख रहे हैं -3%, एक महीने में प्लस दिया हुआ उसने 1.03%। ईयर टू डेट की अगर बात करेंगे तो 47.87%, 3 महीने में जहाँ था वहीं है। 1 साल की अगर हम बात करेंगे तो 44% माइनस में, और 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो 86% माइनस में। जहाँ इसके बाकी ग्रुप ने आपने अगर मेरे सारे वीडियो देखे हैं अभी जो मैंने पुराने डाले हैं ग्रुपों पे, तो वहाँ 3 साल में लगभग मान के चलिए सभी का 94-95% के आसपास माइनस रिटर्न रहा है, लेकिन इसका आप देख रहे हैं 86.74% है। मतलब है तो ऑलमोस्ट कैपिटल चली गई, लेकिन बाकियों से मैं बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है। बात करेंगे अगर इसके वॉल्यूम की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 98,000। ठीक है, ये शनिवार का वॉल्यूम है, मतलब शुक्रवार का। ठीक है, शनिवार को तो अपडेट होता है। और ये बृहस्पतिवार का है, 94,000 का वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। 1 वीक का एवरेज आप देख रहे हैं 1 लाख है, और 1 मंथ का भी एवरेज आपको 1 लाख दिख रहा है। और डिलीवरी परसेंट आप देख रहे हैं वही लगभग 55-65% के बीच में, परसेंट के बीच में आपको डिलीवरी परसेंट देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है। बात करेंगे इसके रेजिस्टेंस की, तो पहला 5.10 रुपये, दूसरा 5.30 रुपये, तीसरा 5.55 रुपये। सपोर्ट की बात करेंगे तो पहला 4.65 रुपये, दूसरा 4.40 रुपये, और तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 4.20 रुपये। बात करें इसके चार्ट की, तो आप देख रहे हैं कई दिनों से यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन वाला फेज दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा तोड़ने की कोशिश करी थी लेकिन ये फिलहाल तोड़ नहीं पाया। और यहाँ पर जो इसका 4.50 रुपये का लेवल है, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका सपोर्ट है 4.50 रुपये पे। तो अगर 4.50 रुपये पे आता है, जो लोग एंट्री बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर इसको उठा सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, पहली बात तो पैनिक स्टॉक हो गए हैं ये सब अब इस समय। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको दूसरा इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आप उतना ही पैसा लगाइए जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन वाला फेस चल रहा है और नीचे भी आ सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है कि नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है, बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा 10 तारीख को, 10 नवंबर को जो इसके रिजल्ट आने वाले। और यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो आपको फर्दर 6 रुपये के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, जो इसने पिछला अभी रिसेंटली हाई लगाया था। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर रिटेल की, तो फ्यूचर रिटेल देखिए लगातार यहाँ से अपर सर्किट के बाद लगातार गिरावट, और यहाँ पर पिछले 2 अपर सर्किट आपको देखने को मिले हैं, और 3.17 रुपये पे अभी ये आपको टहलता हुआ दिख रहा है। तो 3.30-3.32 रुपये के आसपास आज आपको ये अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए मार्केट में अभी एक पॉजिटिव माहौल तो बना ही हुआ है, और आज 18,200 का जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है वो भी आपको टूटता हुआ देखने को मिलेगा गैप अप में ही। 100 पॉइंट की आपको गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए।
ठीक है, तो आप अगर ये यहाँ पर 18200 सस्टेन करता है तो आपको 19000 और 19200 के भी नए हाइज देख बनते हुए देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो पैनी स्टॉक्स वगैरह हैं आप उनमें भी देख रहे हैं ऑपरेटर्स एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे, और उनमें भी एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको मान के चलना चाहिए कि थोड़े दिन आप लगभग इस लेवल तक तो आपको एटलीस्ट 4.25 रुपये के आसपास तक मुझे जो दिखता है एक्सपेक्ट करने चाहिए आपको अपर सर्किट। बाकी अभी इसके बारे में इस शेयर के बारे में देखिए कितनी अनसर्टेनिटी आप सभी जानते हैं। जो नए लोग हैं बिल्कुल इससे दूर रहेंगे, पुराने लोग एवरेजिंग करने की गलती कतई मत करिए, ठीक है, कतई मत करिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लोग फिर भी उसके बाद भी कमेंट में लोग डाल के पूछते हैं कि नहीं सर क्या इसमें एवरेजिंग करें क्या नहीं करें, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लीज़ समझनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये ऊपर ये वाला लेवल तोड़ता है, ठीक है, 4 रुपये का एक बार लेवल टूटते हुए दिखता है तो आपको फर्दर ऊपर जाते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल देता और फिर से अपने पुराने लोग जो इतने बनाए हैं 2.71 रुपये का वो टूटता है तो फिर फर्दर आपको 2 रुपये के नीचे भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है, बशर्ते कोई एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए और कोई ऐसा कंफर्म जैसे सुप्रीम कोर्ट से कोई न्यूज़ आ जाए या कोई अच्छा खरीदार मिल जाए जो बोली लगाने वाला काम का चल रहा है। बाकी अभी उसकी कोई अपडेट आई नहीं है बिडिंग वाली, जैसे कुछ आती है तो मैं आपको ज़रूर उसका वीडियो लेके आऊँगा, सबको सूचना दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं गाइस, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, आपको भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। धन्यवाद।